स्नान करिए, माँ को दर्शन करिए, माँ बहुत प्रपार। बचपन से अच्छा लगे लाइज, पहले से काफ़ी बदलाव भी है, है पहले से काफ़ी ज़्यादा। अब बचपन में आए थे काफ़ी दिन पहले, जब गंगा जी में बहाते आई थी। अच्छा, यहाँ से आई थी महावीर जी। जनवरी, पहला जनवरी को मेला लगता है। अच्छा, और सब दिन स्टीमर से, जहाज से आए थे, बक्सर। अच्छा। से इस तरफ आए थे। अच्छा, उसके बाद कभी आए। क्या क्या खास रहता है सर? लोग नए शहर में दर्शन माता जी रानी के करने आते हैं। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मैं गरालाल। कांवर यात्रा 2022 बाबा धाम, बाबा बैजनाथ धाम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम अभी यात्रा का आज दूसरा दिन में हैं, और कल आप लोग देखे होंगे कि यात्रा का पहला दिन था, तो बक्सर के बॉर्डर पर हम यहां पे विश्राम किए। यहां पे रिलेशन था तो यहीं पे रुक गए रात में, और इसके बाद यहाँ से अब हम लोग कुछ ही पलों में निकलेंगे। घड़ी भी देख रहे हैं, 5:30 बज रहा है, 6 बजे तक हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और इसके बाद मंगला भवानी दर्शन करते हुए ब्रह्मेश्वर धाम दर्शन करेंगे। इसके बाद जो है दानापुर चलेंगे, तो रास्ते में जो भी कुछ होगा वह हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। तो अभी हम जहाँ रुके हैं, यहाँ से हम लोग घर से लगभग 70 किलोमीटर दूरी तय कर लिए हैं, और यहाँ से अब 140 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद फिर से हाल्ट मारेंगे। इसके बाद पटना, वही पटना है, 40-50 किलोमीटर पटना पहुंच जाएंगे, और इसके बाद जो है फिर वहां से कल निकलेंगे, तो कल फिर देखते हैं कहां हाल्ट मारते हैं। यानी कि अभी हम लोग को यहां से 350 किलोमीटर सुल्तानगंज, जहां से जल उठाएंगे, उतना दूरी चलना है। फिर इसके बाद वहां से 100 किलोमीटर देवघर है। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो भी हमारे यात्रा के दौरान जो भी अपडेट होगा वो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। दूसरी बात, एक और हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि कांवर यात्रा बाबा भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं हम लोग। अगर आप जो है हमारा कुछ सहयोग करना चाहते हैं, या भोलेनाथ के नाम पर कुछ चढ़ावा चढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमें जो है गूगल पे नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से हमें इच्छा अनुसार आप दान भी कर सकते हैं, जिससे आपके भोलेनाथ सभी मन्नतें पूरी करेंगे। तो दोस्तों, हम इस समय मंगला भवानी पहुँच चुके हैं। कांवर यात्रा 2022 बाबा धाम, माँ मंगला भवानी के दरबार में आप सभी भक्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, हम मंगला भवानी के दरबार में पहुँच चुके हैं, और माता जी के अभी आरती हो रही थी, आरती में हम हिस्सा लिए। इसके बाद यहाँ पे कई दुकानें हैं, देख रहे हैं आप दोनों साइड, यहाँ से लगभग 200 मीटर दूरी है सड़क से, तो दोनों तरफ पूरी दुकानें हैं, और सभी दुकानें हर रोज़ सुबह सज धज जाती हैं, माता का प्रसाद चढ़ाने के लिए सभी लोग प्रसादों की दुकान लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि माता रानी के दरबार में कितने भक्त आते हैं, कब आते हैं, और कब यहाँ पर अधिक भीड़ लगती है, और यहाँ पर कैसे कैसे भक्त आते हैं, कैसे मन्नतें पूरी होती हैं, यहाँ पर शादी भी होता है, और खास रूप से सावन के बारे में हम बात करेंगे कि 2020 और 21 दोनों वर्ष जो है लॉकडाउन था, इसके वजह से सावन में क्या असर पड़ा यहाँ के दुकानदारों के ऊपर, और अभी जो है क्या उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि अब सावन 10-15 दिन में चढ़ने वाला है, आने वाला है, तो इस हिसाब से अभी इन लोगों के अंदर क्या फिर से पहले जैसा जोश जज्बा है, या फिर उससे कई गुना और अधिक है, या इस बार क्या भक्तों की और अधिक संख्या यहाँ पे आएगी मंगला भवानी माँ के दरबार में। चलिए, हम सब कुछ जानते हैं, यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो कि दुकानदार हैं, इनसे भी बात करेंगे, इसके बाद मंदिर के अंदर भी चलेंगे, थोड़ा बहुत वहाँ पर भी जानकारी लेंगे। हाँ सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। क्या नाम है सर आपका? विनोद प्रजापति। आप यहाँ कब से दुकान लगाते हैं? 2004 से। तो अभी 2 साल लॉकडाउन था, तो क्या असर था उस समय? उस समय लॉकडाउन था तो पूरी दुकानें बंद थी, लोग कमा रहे थे, हम लोग का दुकान खुला था उस समय। अच्छा, लेकिन लोग कम आ पा रहा था, तो काफ़ी दिक्कत हुई होगी। हाँ, और अभी क्या उम्मीद है इस समय, इस साल? इस साल सावन के महीने से हम लोग कुछ विशेष लेना देना नहीं रहता है। अच्छा, कांवरिया लोग आते हैं, दर्शन माता जी के करते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, हम लोगों का सीजन होता है शादी का, जो सीजन होता है लगन का उस समय, और नवरात्रि होता है चैत का और कुंवर का, और 1 जनवरी के यहाँ के सबसे भीषण मेला लगता है। 1 जनवरी को? हाँ, सबसे भीषण मेला लगता है। अच्छा, वो क्या क्या खास रहता है सर? लोग नए शहर में दर्शन माता जी रानी के करने आते हैं। अच्छा, और यहाँ पे क्या क्या होता है?
क्या होता है शादी विवाह वगैरह तो लगन का सीजन जब आता है तो शादी होता है, बच्चों का मुंडन होता है। अच्छा। बाल चढ़ता है, प्रसाद चढ़ता है। यानी आप लोग हमेशा जो है यहाँ पे अच्छे खासे इनकम करते हैं? 65 दिन हम लोग दुकान लगाते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए और है दुकानदार भाई, इनसे भी बात करेंगे जानेंगे। ये लोग काफ़ी पुरान है यहाँ पे दुकान लगाते हैं, देख रहे हैं दुकान पे माता रानी के लिए इनका मंगला भवानी माँ का आप दर्शन यहाँ से भी कर सकते हैं। फोटो वोटो है, तस्वीर है और प्रसाद है, नारियल है, चुनरी है और तमाम चीज़ है। हम अंदर भी चलेंगे, देखते हैं बात करते हैं और कोई है तो। यहाँ पे बहुत दिन से हम भी आ रहे हैं 8-9 साल से, लेकिन काफ़ी बदलाव हो चुका है। ये पूरा प्रांगण आप देखेंगे माँ मंगला भवानी का, यहाँ पे अभी जो है बिल्कुल खाली है, कोई है नहीं। जिस दिन खास रूप से अभी सावन आता है तो उस समय ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि कांवरिया उस समय ज़्यादा आते हैं। और जैसा बता रहे थे कि 1 जनवरी को काफ़ी यहाँ पे भीड़ होती है, लोग आते हैं दर्शन के लिए। दादाजी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। चाचा जी प्रणाम। आप मंगला भवानी के माता के दरबार में कब से यहाँ रहिला? हम बहुत 14-15 बजे से। 14-15 बजे से। तो खास रूप से यहाँ पे कब ज़्यादा भीड़ हो ले? ज़्यादा होता है जनवरी, 1 जनवरी को मेला लगता है। अच्छा। और सब दिन भीड़ रहता है। हाँ। खास रूप से मतलब 1 जनवरी महत्वपूर्ण है, उस दिन मेला लगता है, बहुत ज़बरदस्त मेला लगता है। अच्छा। हाँ। और मंगला माता का जो ना यहाँ मंदिर कब से निर्माण हुई कुछ आपके? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, हम लोग के जन्म से पहले का। अच्छा। इनका महिमा का है थोड़ा सा? इनको महिमा बहुत अपरंपार है, ये गंगा जी में बहाते आई थी। अच्छा। यहाँ से आई थी, महावीर जी भी आए थे। अच्छा। साथ में पुजेरी बाबा थे। अच्छा। उनको ले आके यहाँ पर स्थान उनको रखे। अच्छा। यानी कि बहुत वर्ष पहले जो है माता रानी माँ गंगा में बहते हुए आ रही थी और वहीं से निकाल के यहाँ पर स्थापित किया गया। यहाँ से जाने नहीं सकी। अच्छा। पुजेरी बाबा यहाँ से बहुत कोशिश किए कि चलिए मेरे घर कहें कि नहीं मेरा इसी जगह स्थान। अच्छा। तो गंगा माँ का बिल्कुल किनारे यही करीब है। अच्छा। बिल्कुल करीब है गंगा माँ। लेकिन यहाँ पे स्नान करने के लिए इधर से रास्ता बिल्कुल यही ऐसे गेट से निकल गई है, यहाँ पर स्नान कर लिए, स्नान करिए, माँ को दर्शन करिए, माँ बहुत प्रपार जी। बाबा जी हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी 2 साल लॉकडाउन था, बंद था, तो उस समय भक्तों की संख्या काफ़ी कम हो गई होगी? कम हो गया था जी, बंद था अभी। बंद हो गया। अभी क्या उम्मीद लग रही है इस साल? अब इस साल तो बहुत बढ़िया जाएगा जी, माई का कृपा है, और क्या बोलेंगे। सही बात है, 2 साल तो बंद था और सभी माता रानी का ऐसा कृपा भी था कि नहीं भक्त जो है सुरक्षित रहें, घर पे रहें, इसलिए 2 साल दरबार बंद था। इस साल जो है माता रानी का कृपा होगी और सभी भक्त जो है, हमें लग रहा है सावन के स्टार्ट होगा तो बहुत ज़्यादा भक्त, बहुत ज़्यादा भीड़ भी होता है जी सावन में। सब बैना धाम से बाबा लोग आते हैं, लोग जी भक्त सेवक लोग जी आके माँ को दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर बहुत दोनों तनाव भी होता है गंगा जी का, गंगा जी का तनाव जो करते हैं वो आके माँ को दर्शन करते हैं, माँ को पूजा पाठ करते हैं। और शादी विवाह भी होता है? शादी विवाह, छेका छेकी सब कुछ यहाँ पर होता है जी। कितने दूर दूर से यहाँ पे भक्त लगभग? बहुत दूर दूर के आदमी यहाँ पर आते हैं, बिहार यूपी बहुत बम्बई वम्बई के बहुत दूर दूर के, यहाँ पर जिनको जानकारी हो गया है वो बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं लोग, माँ का कृपा है। ये बाबा जी गाजीपुर ही जिला में पड़ता है ना? हाँ, ये बलिया जिला में पड़ता है। बलिया जिला है? बलिया जिला। और इसके बाद हमें लगा थोड़ी दूर के बाद जो है गाजीपुर। हाँ, तो ये कोटवा से और आगे सलारपुर है, सलारपुर से गाजीपुर। अच्छा। दोस्तों हम ये भी बताएंगे, गाजीपुर से अगर आप आ रहे हैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर से, तो यहाँ से गाजीपुर की दूरी लगभग 45 किलोमीटर दूरी है। अगर आप बलिया से आएंगे तो बलिया से आने के बाद 30 किलोमीटर लगभग दूरी होगा। अगर बक्सर से आप आ रहे हैं तो बक्सर से उत्तर दिशा में आपको आना होगा, माँ गंगा जी का पुल है और पुल पार करके आएंगे तो लगभग 5 किलोमीटर पड़ जाएगा स्टेशन से, हो सकता है। तो दोस्तों अभी जो है यहाँ पे कुछ स्थानीय यहाँ पे लोग आए हैं दर्शन के लिए, इन लोग से भी बात करेंगे। सर स्वागत है आपका। जी बताइए। आप यहाँ पे माता रानी के दरबार में दर्शन के लिए आए हैं, आप हमेशा आते होंगे? नहीं, हम लगभग पहली बार यहाँ आ रहे हैं, दूसरी बार आ रहे हैं, काफ़ी दिन के बाद आ रहे हैं। तो हम अभी स्टे कर रहे थे यहाँ बक्सर में जी। तो नियरेस्ट देखा था तो टूरिस्ट प्लेस और माँ के बारे में जी। और लोगों ने बताया तो बोले कि पास में है, 10 किलोमीटर पड़ेगा आपको होटल से। अभी बक्सर में स्टे कर रहे थे जी। आप कहाँ से आए हैं सर? हम पटना में रहते हैं। अच्छा। और बक्सर में आए थे ऑफिस के काम से जी। तो नज़दीक में मंदिर भी था, माँ का दर्शन भी हो गया सुबह सुबह। हिंदू धर्म में ऐसा मानना है कि सुबह सुबह माता रानी के दरबार में या भी जो भी मंदिर मस्जिद है
वहाँ पे अगर जाके सुबह सुबह मत्था टेकें तो दिन का कार्य या जो भी कार्य वो सफल होता है, शायद इसी उम्मीद से आप भी आए। जी हाँ, इसी उम्मीद से हम भी आए हुए थे। अभी आके यहाँ पे कैसा आपको लग रहा है यहाँ पे? अनुभव अच्छा हुआ है, पहले से काफ़ी ज़्यादा। अब बचपन में आए थे काफ़ी दिन पहले, जब उसमें 9th या 10th में पढ़ते होंगे, स्टीमर से जहाज़ से आए थे, बक्सर से इस तरफ आए थे। उसके बाद कभी आने का मौका मिला नहीं, आज मिला तो पहुंच गए। और माहौल बहुत अच्छा है, पहले से काफ़ी चीज़ें मुझे याद भी नहीं है, पहले ये शायद नहीं हुआ करता था, अब धीरे धीरे सारा कुछ डेवलप हो गया है यहाँ पे भी। तो दोस्तों सही बात, हम तो 8-9 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी बदलाव हो गया है और माता रानी की कृपा रहेगी, काफ़ी बदलाव होता रहेगा। और आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो बलिया से 30 किलोमीटर और बक्सर से 5 किलोमीटर उत्तर, बलिया से पश्चिम दिशा में 30 किलोमीटर और गाजीपुर से 45 किलोमीटर लगभग जो है पूर्व दिशा में यह मंगला भवानी धाम बलिया ज़िले में पड़ता है, बिल्कुल गाजीपुर और बलिया के बिल्कुल सरहद पर रहिए। आप इस क्षेत्र में अगर आते हैं तो कहीं भी आप पूछेंगे मंगला भवानी माता के दरबार में जाना है तो सभी लोग बड़े आसानी से आपको रास्ता बता देंगे। और यहाँ पर आने के बाद मन को बड़ी शांति मिलती है, यहाँ पे हर व्यवस्था है। आप अगर आएंगे तो खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, दुकान भी सजी है और यहाँ मंदिर का प्रांगण भी आप देख रहे हैं काफ़ी दूर तक है। चलिए उधर भी हम चलते हैं, बजरंगबली का स्थान, वहाँ पे भी कुछ दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे हवन कुंड है, यहाँ पे पूजा पाठ होता है, हवन होता है और ये भी बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें जब पूरी हो जाती है तो वो अपने तरफ से यहाँ पे दरबार में कुछ करते हैं, जो कि जो भी भक्त आते हैं उनके लिए सेवा के रूप में कुछ हो जाए। अभी ये देख रहे हैं घंटा भी बांधा गया है, तो ये चढ़ावा किया गया है, जिन लोग का मनोकामना पूर्ण होता है वो लोग अपना खुशी से जो है घंटा बांधते हैं, चढ़ावा करते हैं। तो आइए, यहाँ पे माता जी हैं, ये लोग आई हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहाँ से आई हैं। अच्छा, आप लोग दूरे से आए लें कि पास से? यही से हमेशा हर रोज आवल जला। अच्छा, तो अच्छा, माई जी के दर्शन कर दिए, टहले के साथ साथ माता जी के दरबार में भी। तो ये आपका कब से ही प्रक्रिया हुई, कितना दिन से आप आवत हो जी? हम तो बचपन से आवत हैं। बचपन से अच्छा लगे लाजा, पहले से काफ़ी बदलाव भी है? हाँ, बहुत बदलाव है। अच्छा, इनकर महिमा आप लोग का जानते थे इनके महिमा के बारे में? महिमा बढ़िया बटे, जरा कि माई जी भलाई करते रही बटे जी, मनोकामना पूरा करते रही माई जी अपन करी सब कर। देखिए, जिसका श्रद्धा होगा वही आएगा, वही पूजा पाठ में भाग लेगा। तो श्रद्धा के ऊपर है, अगर विश्वास के ऊपर है, अगर आपके अंदर विश्वास है, श्रद्धा है, तो सब कुछ सही है। तो हम इस समय माँ मंगला भवानी के दरबार में हैं। अब यहाँ से हम कांवर यात्रा 2022 बाबा धाम के लिए रवाना होंगे, आपको रास्ते में जो भी अपडेट होगा वो दिखाएँगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बोलबम बोलबम, जय माँ मंगला भवानी।